हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सिंपल एनी आइडियाज इन हिंदी। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ जियो फाई राउटर से DVR का ऑनलाइन कैसे करते हैं और अपने मोबाइल पे कैसे देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोज लेके आते रहता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जियो फाई का राउटर चाहिए जो कि 1000 रुपये में मिलता है मार्केट में। तो देख सकते हैं ये वाला राउटर मैंने मंगाया है। तो चलिए अगले देखते हैं क्या क्या चाहिए। और हमें तो आप देख सकते हैं ये राउटर चाहिए होगा हमें। आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, ये वाला मॉडल नंबर देखकर आप राउटर मंगा सकते हैं। और इसका एक लैन केबल भी चाहिए होगा। और उसके बाद ये राउटर आप देख सकते हैं किस तरह से है। ये मेरा वैन पोर्ट वाला राउटर है और इसका एक अडेप्टर, पावर अडेप्टर। तो चलिए सबसे पहले मैं पावर दे देता हूँ। तो अपना राउटर ऑन हो चुका है। तो हमें किसी भी कंप्यूटर पर जाकर इसके वेबसाइट को ओपन करना है, या फिर आप अपने मोबाइल में ऐप भी इसका इंस्टॉल करके ओपन कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोग को इसका ऐप ओपन करके दिखाता हूँ और उसमें क्या क्या सेटिंग करनी है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें जियो फाई की सेटिंग करनी पड़ेगी। जियो फाई में क्या सेटिंग करनी है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो चलिए हम पहले सेटिंग कर लेते हैं जियो फाई की। तो चलिए सबसे पहले हम जियो फाई के राउटर को कॉन्फिगर करेंगे और उसके लिए हमें जियो फाई का वाईफाई कनेक्ट करना ज़रूरी है। तो मेरा वाईफाई तो फिलहाल कनेक्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आप भी अपना वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद हमें टीपी लिंक के वाईफाई राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए उसका भी राउटर हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। या आप देख सकते हैं यहाँ पे टीपी लिंक F33A का मॉडल नंबर आ रहा है, तो उसे हमें बाद में कनेक्ट करना है कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं जियो फाई के राउटर को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो आपको दिखा देता हूँ कैसे कॉन्फ़िगर करना है जियो फाई राउटर। तो सबसे पहले क्रोम ओपन करेंगे, फिर कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। तो उसके बाद हमें यहाँ पे जियो फाई का वेब पेज ओपन करना है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, जियो फाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेब एडमिन आ रहा है, geofy.local.html का, उसे ओपन करना है। और उसके बाद यहाँ पे हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है और यूज़र नेम भी एडमिनिस्ट्रेटर ही है। तो लॉगिन कर लेता हूँ मैं। तो आप लोग को दिखा देता हूँ इसमें क्या सेटिंग करनी है हमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन है। वाईफाई के ऑप्शन में हमें यहाँ पे मैंने जो सेटिंग की है वही सेम आपको करनी है। आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे चैनल सिलेक्शन में यहाँ पे आपको 6 नंबर सेव करना है, या फिर कोई भी और कर सकते हो, वैसे कुछ नहीं है। 6 नंबर को सेव करके आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछेगा वाईफाई विल रिस्टार्ट नाउ, प्लीज़ साइन अगेन, साइन इन अगेन। तो चलिए मैं इसे ओके कर देता हूँ। मैं फिर से इसे लॉग इन कर देता हूँ, वाईफाई कनेक्ट कर देता हूँ। पहले वाईफाई डिसकनेक्ट हुआ है, हमने रिस्टार्ट हो रहा है जियो फाई का राउटर एक बार। अब इससे जियो फाई का राउटर कनेक्ट हो चुका है और इसे मैं फिर से लॉग इन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई में हम चैनल सिलेक्शन में भी 6 आ चुका है। हमारे जियो फाई के राउटर का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। तो अब हमें टीपी लिंक के राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए मैं भी टीपी लिंक का राउटर कनेक्ट करता हूँ सबसे पहले। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टीपी लिंक का राउटर आ चुका है। तो मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद हमें इसकी वेबसाइट खोलनी है, या फिर आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सा ऐप है वो। आप देख सकते हैं ये वाला ऐप ओपन करना है हमें। ओपन करने के बाद अब आपका जो भी डिवाइस कनेक्टेड रहेगा वो आपको दिखा देगा यहाँ पे, और इसे हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपका जो भी यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट और पासवर्ड डिफ़ॉल्ट वो डालना पड़ेगा यहाँ पे। एडमिन एडमिन रहता है। तो टिपी लिंक का ऐप ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे टूल्स को सिलेक्ट करना है। टूल्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑपरेशन मोड पर क्लिक करना है। ऑपरेशन मोड पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे करना है रेंज एक्सटेंडर मोड पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव कर देना है इसे।
सेव करने के बाद यहाँ पे वेटिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे स्टेटस स्टेटस पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं स्टेटस पे फिलहाल इंटरनेट नॉट कनेक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल वगैरह कुछ दिखा रहा नहीं, नो सिक्योरिटी दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है रीसिलेक्ट होस्ट नेटवर्क रेंज एक्सटेंडर क्लिक करने के बाद। तो चलिए तो मैं इसे रीसिलेक्ट होस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जियो फाई का राउटर आ रहा है यहाँ पे। और अगर आपका जो भी वाईफाई रहेगा यहाँ पे पूरे वाईफाई दिखा देगा। तो यहाँ पे मैं भी इसे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ मेरा जो भी पासवर्ड है वो। तो इसे मैं सेव कर देता हूँ ज्वाइन, और इसे मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई सेट अप्लाइंग योर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। और जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा हमारे राउटर की लाइट जो है तो अभी येलो हो जाएगी उसकी लाइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपना जियो फाई राउटर था वो इस टीपी लिंक के डिवाइस से कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब हमें डीवीआर में सेटिंग कर लेते हैं। अभी इसकी लाइट येलो हो चुकी है और ये राउटर हमें हमेशा के लिए इसके आजू बाजू ही रखना है। इसे अगर हम दूर लेके जाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। जैसे मैं इसे ऑफ कर लूंगा इसकी लाइट ऑरेंज हो जाएगी। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ अभी। ऑरेंज होकर ब्लिंक करेंगी इसकी लाइट जब भी ये बंद हो जाएगा तब, या फिर डिसकनेक्ट हो जाएगा तब, या फिर इसकी बैटरी लो हो जाएगी तब। आप देख सकते हैं इसकी लाइट ऑरेंज होके ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है इंटरनेट अभी कनेक्ट नहीं है। तो मैं इसे ऑनलाइन ऑन कर देता हूँ एक बार। अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो ये फिर ऐसी लाइट ब्लिंक करेगी कंटिन्यू। अब देख सकते हैं इसका इंटरनेट इसको कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम डीवीआर में सेटिंग कर लेते हैं कि क्या हमें कॉन्फ़िगरेशन डीवीआर में करना है। तो सबसे पहले हम लैन केबल कनेक्ट कर देंगे ये वाला। सबसे पहले हमें राउटर के लैन केबल में ये लैन केबल लगाना है। और उसके बाद डीवीआर के लैन पोर्ट में हमें केबल लगाना है दूसरा वाला। आप लोग को दिखा देता हूँ मैं एक बार कहाँ पे लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लैन पोर्ट है उसका, यहाँ पे हमें लगाना है ये वाला। और इसकी लाइट ब्लिंक करेगी और देख सकते हैं दोनों लाइट लग चुके हैं। और ये एक लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब इंटरनेट एक्सेस होना शुरू हो चुका है। तो चलिए मैं अभी इसे साइड में रख देता हूँ और आपको डीवीआर के डिस्प्ले में लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसका मेनू ओपन करना है। मेनू में आपके जो भी पासवर्ड रहेगा आप डाल सकते हो। यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेटवर्क का ऑप्शन है। नेटवर्क में जाने के बाद यहाँ पे डीएससीपी एनेबल करना है हमें। डीएससीपी की जो सेटिंग है उसे हमें एनेबल करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद डीवीआर को हमें एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा कि क्लाउड सर्विस एनेबल पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्ट स्टेटस, आप सक्सेस अभी सक्सेस है, इंटरनेट का कनेक्शन अभी सक्सेस हो चुका है जियो फाई की मदद से। तो चलिए इसे मेन मेनू में जाते हैं और इसका जो भी आपका सीरियल नंबर रहेगा
उसे आप ऐप में इंस्टॉल डाल सकते हो। ये मेरा सीरियल नंबर ये वाला है। आप इसकी वेबसाइट भी ओपन कर सकते हो आपके DVR की। तो चलिए मैं भी मोबाइल में इसका सीरियल नंबर डाल देता हूँ और ये ऑनलाइन है या नहीं देख लेता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं मेरे DVR की डेट क्या है आज की, उसकी मदद से हम चेक करेंगे कि DVR ऑनलाइन है या नहीं। तो चलिए इसका ऐप ओपन करते हैं। आपका जो भी DVR का ऐप होगा वो आप ओपन कर लीजिए। मेरा HD ATV ऐप है तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे लोकल लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपका वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे ऐड डिवाइस का ऑप्शन है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे एंटर मैनुअल कर देता हूँ। मैनुअल करने के बाद आप नाम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, तो आप अपना सीरियल नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे GID में। तो चलिए मैं इस सीरियल नंबर डाल देता हूँ मेरा। तो ओके, तो इसका जो भी पासवर्ड एडमिन यूज़र नेम रहता है, आपका जो भी पासवर्ड रहेगा वो डाल सकते हो यहाँ पे। और आप इसे चैनल पे ऐटो पे करके यहाँ पे श्योर पे क्लिक कर सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट में यहाँ पे माय होम पर क्लिक कर देना है आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा DVR ऑनलाइन आ चुका है। आप देख सकते हो इसकी डेट देख सकते हैं, फ़िलहाल 2018 05:52 का टाइम हो चुका है। अभी DVR में भी यही टाइम था। तो इस प्रकार से आप JioFi की मदद से ऑनलाइन कर सकते हो अपने DVR को, कोई भी DVR को। ऐसा नहीं कि कोई एक CP+, एक्विजन, और DVR को आप ऑनलाइन कर सकते हो इस ट्रिक से। तो चलिए मैं आप लोगों को अभी मेरे मोबाइल डेटा पे इसे ऑनलाइन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वाईफाई कनेक्ट है अभी, लेकिन मैं इसे ऑफलाइन कर देता हूँ यहाँ पे और मेरा मोबाइल का डाटा ऑन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3G आ रहा है और उसके बाद मैं मेरा ऐप ओपन करूँगा कैमरे का। ये मेरा ऐप और आप देखते हैं कि ऑनलाइन कैमरे चलते हैं या नहीं, क्योंकि वाईफाई पे तो ऑनलाइन चलेगी लेकिन मोबाइल डाटा पे चलने चाहिए JioFi की मदद से। तो इसे मैं अभी माय होम पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट सक्सेस आ रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट देख सकते हैं और टाइम भी देख सकते हैं आप, 5:55 हो रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों कैमराज अभी फ़िलहाल तो ऑनलाइन आ रहे हैं थोड़े थोड़े, थोड़ा टाइम लगता है इसे ऑनलाइन आने में। तो चलिए मैं अभी इसे कैमरा कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे कैमरे को। मैं एक कैमरा ओपन करके दिखा देता हूँ आपको और मैं भी इसे मोबाइल में भी ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। मेरा मोबाइल का डेटा चालू है अभी, आप देख सकते हैं वाईफाई बंद है फ़िलहाल। तो चलिए इसका ऐप ओपन करते हैं एक बार फिर से। अब देख सकते हैं फ़िलहाल तो लाइव है, लेकिन फिर से कोशिश करेंगे लोकल लॉगिन पे क्लिक करके इसको पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माय होम 22 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन हो रहा है अपना कैमरा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव तो दिख रहा है, लेकिन पूरे चैनल देखने के लिए हम देख सकते हैं अभी कनेक्ट सक्सेस 4 चैनल दिख रहे हैं अभी हमारे और उसके बाद 8 चैनल दिख रहे हैं। ऑटो के ऑटो भी ऑनलाइन आते हैं, लेकिन जैसे नेट की स्पीड रहती है उस हिसाब से आते हैं। लेकिन JioFi की मदद से अब हमने अभी राउटर को ऑन कर दिया है। तो आप ये बड़ी आसानी से JioFi की मदद से कोई भी DVR ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और JioFi से DVR को कैसे ऑनलाइन करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दे दूँगा जो भी रहेगी वो। और ऐसे यूज़फुल ट्रिक सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियोस लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।